हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं दुबई विलास देखने। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हमारा अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है यहाँ का अबू धाबी की, तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट हम अब दुबई शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 4 साल हो गए हैं हमें अबू धाबी में रहते हुए और काफ़ी बोर हो गए, तो हम दुबई शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एजेंट को कॉल करा है, तो वहाँ जाके 4-5 अपार्टमेंट और विला देख के आएंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं और उनकी प्राइसेस भी साथ साथ हम बताते रहेंगे, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि कितना रेंट है जो भी है। तो हम मिलेंगे हम सीधा दुबई। आए हम फर्स्ट विला यहाँ पे देखने के लिए। तो जा रहे हैं किचन किचन डाइनिंग एरिया गेस्ट वॉशरूम। हाँ ये है बाहर का गार्डन। इधर क्या होगा, सनराइज इधर ही होगा। बहुत देर थोड़ी देर सुमन का अप्रूवल लगवा दे। सुमन का अप्रूवल लिया है। ये क्या है इधर? अच्छा ये तो वॉशिंग मशीन का एरिया। ये काफी रूम है, ऐसा लग रहा स्टडी रूम है ये तो इसका। हाँ ये वॉशरूम है, स्टैंड बाथ का इधर। ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के, और ये वाला जो इधर हमने देखा वो था मेड रूम। ये है किचन, ये डाइनिंग, यहाँ से दिख रहा है बाहर का गार्डन जो अभी अच्छी हालत में नहीं है बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट रूम, इधर रूम काफ़ी बड़ा है, ये भी कबर्ड्स, बाहर का व्यू कुछ इस तरह का। इधर से कबर्ड्स हैं, अच्छी ओपन करके देखते हैं कैसा। काफ़ी बड़ी है वैसे कबर्ड्स तो, नाइस अच्छी है। क्लोज, चलो सेकंड रूम में चलते हैं। और ये इस रूम का, ये एक वॉशरूम है यहाँ पे। ये भी काफी बड़ा है, यहाँ है स्टैंड बाथ, यस स्टैंड शावर है यहाँ पर। टेटू टेटू ले, टेटू को बुलाओ। मेंटेनेंस, ये दूसरा रूम है, इसमें भी कवर्ड है, ये थोड़ा सा छोटा है उस रूम से। और ये है थर्ड वॉश, थर्ड रूम, ये काफ़ी बड़ा है। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है यार, दो पर्सन के लिए हैं। ये पूरा ड्रेसिंग, लाइट्स काम नहीं कर रही यहाँ पे। Because you know it's a
तो फाइनली हम घर आ गए विला देखे। हमने सेरेना में कब लगभग 3 से 4 विला देखे, सारे मोस्टली 3 BHK थे और सबका लेआउट सेम सा ही है। नीचे हॉल है, किचन है और एक मेड रूम है और ऊपर 3 रूम या फिर 2 रूम और बाहर गार्डन है। एक ही घर हमें ऐसा मिला जिसमें प्राइवेट गार्डन, लैंडस्केप गार्डन था जिसमें बना बनाया गार्डन, नेचुरल ग्रास पौधे सब थे। वो सेकंड वाला जो हमने दिखाया था, हाँ, जिसकी छोटी सी क्लिप है, ज़्यादा पूरा वीडियो रिकॉर्ड मैंने करा नहीं एक्चुअली, तो वो एक अच्छा लगा। उसकी थोड़ा ओवर प्राइस जो तो अभी डिस्कशन में है कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं फिर से जा रहा हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। इस बार पिछली बार तो सानिध्य बहुत परेशान हुआ है, तो इस बार मैं अकेला देख के आऊँगा सेरेना और उसके पास 1-2 और कम्युनिटीज हैं वो देख के आऊँगा। अभी हमारी प्रायोरिटी वही 2 BHK छोड़ के भी 3 BHK पे आ गई है भाई। एक रूम को हम सिर्फ ऑफिस स्पेस बनाएंगे जिससे हम योगा वोगा भी कर लेंगे और बाकी उसमें अच्छी लाइट्स वाइट्स लगा के, तो इस वीडियो देखते हैं और प्रॉपर्टीज दिखाएंगे कैसा। चलो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। सानिध्य वैसे भी हमें वीडियो बनाने दे नहीं रहा है और नेक्स्ट वीक कुछ और घर दिखाता हूँ, फिर फाइनल करेंगे घर कौन सा है, फिर उस घर का होम टूर करवाएंगे हम। बाय बाय, गुड नाइट। सानिध्य गुड नाइट बोल दो, गो इट।